आप देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा से बी पॉजिटिव लाइव और एक बार फिर गोल्ड चुग आपके साथ। और आज जिस समय मौजूद हैं हम शाहबाद के गांव रतनगढ़ में, और आप मेरे पीछे एक खंडरनुमा भवन को देख रहे होंगे, और यह भवन सागर हत्याकांड का साक्षी है। आखिर आपके जहन में, मन में, मस्तिष्क में एक सवाल होगा कि आखिर ये सागर कौन है। मैं सागर हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। आज से एक महीना अप्रैल के दिनों में मैं ले चलता हूँ आपको। मैं बात करूँगा बीती 4 अप्रैल की, जब 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक युवक का शव यहाँ पर बरामद हुआ था, और उस युवक के गले में एक रस्सीनुमा कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे पुलिस को स्पष्ट हो गया था कि इस युवक की हत्या गला घोंट कर की गई है। लेकिन इस हत्या के पीछे कारण क्या था, किन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया, इस हत्या के कातिल कौन थे, ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन आज पुलिस कातिलों तक शायद पहुंचने वाली है, और पुलिस का प्रयास है कि जल्द ही सागर के कातिलों को पकड़ लिया जाए। अब बार बार मैं एक नाम दोहरा रहा हूं, सागर। आखिर उस शव की शिनाख्त कैसे हुई, कैसे उनके माँ बाप को सूचना मिली कि उनके बेटे की हत्या हुई है शाहबाद मारकंडा हरियाणा में। इस हत्याकांड के साथ कई परतें जुड़ी हुई हैं, और एक एक करके मैं अब इन हत्याकांड का आपको खुलासा करके बताऊंगा कि आखिर इस हत्या के पीछे माँ बाप को कैसे सूचना मिली, और पुलिस को अब तक क्या सबूत मिले हैं, क्या तथ्य मिले हैं। जब अज्ञात युवक का शव यहाँ से मिलता है, तो पुलिस उस शव को कब्जे में लेकर LNJP कुरुक्षेत्र भेज देती है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन करीब 24 अप्रैल तक, करीब 20 दिनों की प्रतीक्षा के बाद, जब उस युवक की, उस शव की कोई शिनाख्त नहीं होती, तो पुलिस शाहबाद की हेल्पर संस्था के माध्यम से उस शव का अंतिम संस्कार करवा देती है। और वहीं हेल्पर संस्था की ओर से उस अज्ञात शव की अस्थियों को विधि विधान से हरिद्वार गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन फिर अचानक से 24 अप्रैल की सायं अचानक कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, शाहबाद के पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, और ये बताते हैं कि वो सागर के फादर और सागर के ब्रदर हैं, जिससे पुलिस भी चौंकती है कि अचानक 20 दिनों के बाद सागर के परिजनों का आना, अज्ञात शव की शिनाख्त होना बड़ी बात थी। लेकिन ये शिनाख्त कैसे हुई, आपको बताते हैं कि अचानक जब सागर का शव यहाँ मिलता था, अज्ञात युवक का शव यहाँ मिलता था, लेकिन उसके पास एक मोबाइल फोन था, सागर के पास एक मोबाइल फोन था, और वो मोबाइल फोन जो था, उस मोबाइल में जो सिम थी, वो सागर के पिता मनीष के नाम रजिस्टर थी, उसके पिता के नाम की सिम थी जो सागर अपने मोबाइल में यूज़ कर रहा था। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को सागर का जन्मदिन था, लेकिन 3 अप्रैल से सागर का फोन बंद आ रहा था। तो सागर जो है मुंबई का रहने वाला है, अंधेरपुरी का, तो मनीष के जो सागर के पिता हैं, मनीष और नवीन ब्रदर हैं, उन्होंने बी पॉजिटिव की टीम के साथ खुलासा किया, बताया कहानी को, बताया कि जब 3 अप्रैल से लगातार सागर का मोबाइल बंद था, तो जब 16 अप्रैल को सागर का जन्मदिन था, तो परिजनों को यह विश्वास था कि अपने जन्मदिन के मौके पर सागर मुंबई में अपने परिजनों के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ बात ज़रूर करेगा। लेकिन 16 अप्रैल को भी जब सागर का फोन अपने जन्मदिन के मौके पर घर में नहीं जाता है, तो यहाँ चिंता और बढ़ जाती है। परिजन सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि शायद कोई ना कोई मामला ज़रूर है, कोई ना कोई घटना है, जो सागर का संपर्क उनसे, परिवार से नहीं हो रहा है। इस पर सागर के पिता मनीष, सिम जो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन थी, वो सिम नहीं निकलवाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिम नहीं निकलवाकर अपने मोबाइल में डालते हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस लोकेशन लेती है, तो सागर के मोबाइल की लोकेशन शाहबाद मारकंडा की निकलती है।
लास्ट लोकेशन, तो उससे पता चलता है कि सागर जो है कहीं ना कहीं शाहबाद के आसपास के क्षेत्र में रहा होगा, जिस पर एक कॉल मनीष के पास जाती है उसी नंबर पर जो सिम सागर यूज कर रहा था, नया सिम निकलवाया तो उसके नंबर पर एक कॉल जाती है, उस कॉल को मनीष अटेंड करते हैं और वो कॉल जाती है पिपली एक ठेले वाले से, कुणाल, जिसका नाम कुणाल है, उसकी कॉल उस नंबर पर जाती है और पूछा जाता है कि सागर कहाँ है। तो आगे मनीष, सागर के पिता मनीष कहते हैं कि आप मामला बताइए क्या है, जिस पर कुणाल कहता है कि कुछ दिन पहले सागर ने उसके ठेले से खाना खाया था लेकिन वो अपनी राशि अदा करके नहीं गया, उसको वो राशि चाहिए, जिस पर ये क्लियर हो जाता है कहीं ना कहीं सागर मरने से पहले, जब उसकी हत्या हुई उससे पहले सागर पिपली में था, तो जो भी राशि का भुगतान था 300-400 रुपये की राशि थी ऑनलाइन उस कुणाल को अदा कर दी जाती है पिपली में। लेकिन इसी के बाद करीब आधे घंटे के बाद क्या होता है कि एक सोनू नाम का व्यक्ति जो कि कुणाल से सागर का नंबर मांगता है, तो कुणाल फिर से सागर के पिता मनीष को फ़ोन करता है कि कोई सोनू नाम का युवक है जो ये नंबर मांग रहा है, सागर का नंबर मांग रहा है, तो क्या कुणाल उस नंबर को सोनू को दे दे। इस पर मनीष के पिता ने कहा कि उसका नंबर सोनू को दे दिया जाए, इस पर वो नंबर कुणाल जो है सागर का नंबर सोनू को दे देता है। लेकिन उसी बीच महाराष्ट्र पुलिस थाना शाहबाद में संपर्क करती है, कुक्षेत्र में संपर्क करती है, तो पता चलता है कि मनीष के बेटे सागर 22 वर्षीय की हत्या शाहबाद में हो चुकी है। 24 अप्रैल को 25 अप्रैल को लगभग, आपको बता दें कि 24 शाम को और 25 सुबह को परिजनों को पता लगा कि उनका बेटा मौत की नींद सो चुका है, उसका कत्ल किया जा चुका है। ये बात सुनकर, बेटे के कत्ल की खबर सुनकर शायद भाई और बाप जो यहाँ पर पहुँचे थे शाहबाद की धरती पर मुंबई से, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो बेटा है इस तरह से मार दिया जाएगा। हम अब अगली परत की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको बताया, अब अगली परत सुनिए, इसका अगली गुत्थी का खुलासा कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनू नाम का युवक कुणाल से नंबर मांगता है, सागर का नंबर दे दिया जाता है, जिस पर वो सोनू सागर के पिता मनीष को फ़ोन करता है मोबाइल पर और बोलता है कि सागर उनके साथ है, पिपली के एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हत्या से पहले सागर पिपली के एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, करीब काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा। जैसा कि मनीष, सोनू ने सागर के पिता मनीष को बताया कि सागर एक निजी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, वो करीब 12,000 की राशि उस गेस्ट हाउस की अदा करनी है, लेकिन वो राशि दी जाए, सागर के पास राशि नहीं है, जिस पर सागर के पिता मनीष सोनू को बोलते हैं फ़ोन पर कि क्या कोई ऐसा तथ्य या ऐसा कोई प्रूफ है कि हमें पता चल सके कि सागर आपके पास है। तो अचानक जो सोनू एक सागर की एक ऐसी फ़ोटो मनीष को भेजता है, लाइव फ़ोटो, जिसमें कि मनीष एक सेल्फी अंदाज में खाना खाता हुआ नज़र आ रहा था, वो लाइव चित्र, लाइव फ़ोटो एक मनीष को भेजा जाता है। तो जिसके बाद सागर के पिता मनीष लगभग 12,000 की राशि उस सोनू के खाते में डाल देते हैं, पेटीएम कर देते हैं। लेकिन जब मनीष सोनू को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सागर इस समय कहाँ है, उसकी बात करवाई जाए, लेकिन उस पर सोनू ये बोलता है कि सागर इस समय मनीकरण गया हुआ है, तो अगर सागर से बात करनी है तो सोनू को मनीकरण जाना होगा, तो उसके लिए किराए भाड़े के लिए भी उसको कुछ राशि चाहिए, जिस पर 4,000 की राशि फिर से सोनू के खाते में डाली जाती है। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद सोनू ये बोलता है कि सागर मनीकरण में नहीं मिला और जब आएगा तो उसकी बातचीत करवा दी जाएगी। इस तरह से लारा लप्पा उनके परिजनों को लगाता रहा सोनू। और आगे जिस तरह से परत खुली वो भी आपको बताते चलते हैं। लेकिन जब सागर के पिता मनीष और भाई नवीन पिपली के एक निजी गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जिस गेस्ट हाउस का नाम सोनू ने फोन पर मनीष को बताया था, सागर के पिता को बताया था,
जब उस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जो 12,000 की राशि सागर की पेंडिंग थी वो नहीं चुकाई गई है। हालांकि सोनू ने अपने खाते में वो राशि डलवा ली थी, लेकिन जो निजी गेस्ट हाउस का हाउस था उसको अदा नहीं की। लेकिन सागर का लैपटॉप और अन्य सामान उसी निजी गेस्ट हाउस में मौजूद रहते हैं, लेकिन आखिर वो सोनू कहाँ कौन था, वो सोनू कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये बताया जा रहा है सोनू उसी गेस्ट हाउस के नीचे एक छोटी सी दुकान करता था। किस चीज़ की दुकान थी, आखिर 12,000 की राशि लेने के बाद सोनू कहाँ गायब हुआ, सोनू का अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा। पुलिस सोनू को भी तलाश कर रही है, आखिर सोनू कौन था और सागर से उसका क्या रिलेशन था, आखिर सागर पिपली में क्या कर रहा था, और पिपली के बाद अचानक 3 अप्रैल रात को सागर को यहाँ देखा जाता है गांव रतनगढ़ के पास, लेकिन 4 अप्रैल को सुबह उसकी हत्या होती है। और ये गुत्थी एक उलझी हुई है, हालांकि पुलिस इसको सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये बड़ी बात है कि सागर 3 अप्रैल की रात शाहबाद को गांव रतनगढ़ में आसपास देखा गया, 4 अप्रैल को उसका शव यहाँ मिलता है। लेकिन ये सोनू कौन था और सोनू अचानक गायब कहाँ हुआ, वो कुणाल कौन था जो ठेले वाला था, खाने वाला था, सोनू और कुणाल का आपस में क्या संपर्क था, ऐसे बहुत से सवाल हैं और जिन्हें सुलझाने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है। अगली परत भी आपको बताते हैं। मामला आपने देखा कि सोनू कुणाल नई सिम और सिम से कुणाल तक पहुंचते हैं, सोनू तक पहुंचते हैं, पुलिस शाहबाद तक पहुंचती है, सागर की हत्या का पता लगता है, सागर की शिनाख्त होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये आपको बता दें कि 30 मार्च को सागर ने एक पिपली की पुलिस चौकी में एक शिकायत करवाई थी, जिसमें उस शिकायत में कहा गया था कि एक विक्टर नाम का व्यक्ति और उसके साथ एक युवती जो कि उसको पिपली में अपने घर पर लेकर आए थे, विक्टर और एक युवती। लेकिन उस समय सागर के पास 35,000 की राशि थी और सागर ने पिपली पुलिस चौकी में जो शिकायत लिखित में दी थी उसमें बताया था कि उस विक्टर ने और उस युवती ने उससे 35,000 की राशि छीन ली है और उससे मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया गया है। ये बड़ा सवाल था कि आखिर ये विक्टर कौन है और विक्टर के साथ वो युवती कौन है, वो 35,000 की राशि कहाँ गई इस तरह। लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसी शिकायत पत्र पर जो सागर ने शिकायत पुलिस में दी थी, उसी शिकायत पत्र पर समझौते के हस्ताक्षर होते हैं, जिस पर सागर लिखता है कि इस मामले को लेकर उसका समझौता जो है हो चुका है। वहीं वो युवती भी हस्ताक्षर करती है कि इस झगड़े को लेकर उसका समझौता हो चुका है। लेकिन वो समझौता किस चीज़ का था, क्या 35,000 की राशि सागर को लौटा दी गई, क्या सागर को किस तरह से संतुष्ट किया गया, ये बड़े सवाल हैं। अब मामला ये सामने आता है कि इस हत्याकांड में, सागर के हत्याकांड में जो शव यहाँ मिलता है सागर का था, अब उसमें एक नाम विक्टर का आ रहा है और एक युवती का आ रहा है जो सागर को अपने घर लेकर गए, सागर से 35,000 की राशि छीनी, लेकिन उसके बाद उसको घर से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद सोनू जो है निजी पिपली के एक निजी गेस्ट हाउस में पहुंचता है, सोनू के संपर्क में आता है। सोनू कौन है, अगर सोनू के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था सागर तो उसने ठेले से खाना क्यों खाया, वो कुणाल कौन है। अभी जो पुलिस के सामने चेहरे हैं, विक्टर, अज्ञात युवती और कुणाल और सोनू, ये 4 लोगों के आसपास कहानी घूम रही है कि आखिर इनका सागर से क्या रिश्ता था। लेकिन कातिलों का सुराग अभी तक भी नहीं लगा कि आखिर कत्ल किसने किया, सागर शाहबाद तक कैसे पहुंचा, उसकी हत्या कैसे कर दी गई, क्या कारण था, किन लोगों ने की। लेकिन जो कहानी घूम रही है अभी तक सागर हत्याकांड की, वो विक्टर, अज्ञात युवती, कुणाल और सोनू के आसपास घूम रही है। हालांकि निजी गेस्ट हाउस से सागर का जो लैपटॉप था, वो जो अन्य सामान था, वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन लगातार पुलिस इन चारों को तलाश कर रही है। हालांकि चारों के चारों भी गायब हैं, अगर सोनू की बात करें, विक्टर, अज्ञात युवती और कुणाल, इनका भी अभी कोई सुराग नहीं लग रहा कि आखिर ये चार कौन थे और सागर इनके संपर्क में कैसे आया, ये बड़ी बात है। और अब सागर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताते हैं। जब हम बात करेंगे सागर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपको बता दें कि सागर मुंबई का रहने वाला है, मुंबई की अंधेरपुरी का रहने वाला है। सागर के पिता मनीष कुमार
वहाँ पर मुंबई अंधेरपुरी में एक फ्रूट का ठेला लगाते हैं और उन्होंने फ्रूट बेच बेच कर सागर को सीए बनाया था। सागर ने बीकॉम के बाद सीए की थी और वो नौकरी की तलाश में घर से निकला था, लेकिन सागर को ये नहीं पता था यहाँ उसकी हत्या हो जाएगी। और सागर के परिजनों को ये सपने भी में कभी सोचा था जिस बेटे को उन्होंने सीए बनाया है हरियाणा के शाहबाद में उसका कत्ल हो जाएगा। हालांकि सागर ने अपने भाई को फ़ोन करके 2 अप्रैल को फ़ोन करके एक नया रिज्यूम बनवाया था, बायोडाटा बनवाया था और बता रहा था कि उसको मंगलवार तक नौकरी मिल जाएगी। अपनी माता को सागर ने इस तरह की बात बोली थी, लेकिन सागर की माँ अंजू को बेटे की नौकरी की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन उसकी हत्या की खबर ज़रूर मिल गई। अब ने फिर बताया आपको कि सागर के पिता मनीष एक फ्रूट का काम करते हैं, फ्रूट का ठेला लगाते हैं, जैसा कि फ्रूट बेच बेच कर अपनी गरीबी से लड़ते हुए झगड़ते हुए किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए सागर के सपने को पूरा किया और उसे सीए बना दिया गया। लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था कि सागर अपने परिवार की सेवा कर पाए, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद बड़ी बात यह है, जब सारा खुलासा ये मनीष और उसके भाई पिता मनीष और भाई नवीन यहाँ पर आकर करते हैं, सारे मामलों की परत खोलते हैं, पुलिस को बताते हैं, लेकिन बड़ा ही एक जो शोक समाचार था, दिल को हृदय विदारक घटना थी, दिल को झकझोर देने वाला मामला ये था, जब मनीष पिता और भाई नवीन को ये पता चलता है कि सागर के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जब वो अस्थियां लेने के लिए यहाँ के स्वर्ग आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ से पता चलता है अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित कर दी गई हैं। तो बड़ा ही दुखदायी घटना थी, बड़ा ही संभालना मुश्किल था बाप और भाई को कि अब बेटा गया घर से ठीक ठाक, उसके बाद हत्या भी कर दी गई, संस्कार भी हो गया लेकिन अस्थियां भी बहा दी गई, लेकिन कुछ भी नसीब नहीं हुआ, हाथ नहीं लगा। तो उसके बाद 1 मई को मुंबई की अंधेरपुरी में सागर की शोक सभा रखी जाती है और उसे अंतिम श्रद्धांजलि परिवार की ओर से दी जाती है। लेकिन अब सागर के पिता मनीष, भाई नवीन, माता अंजू और उसके रिश्तेदार जो हैं सभी सागर के कातिलों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। हालांकि 4 लोगों के इर्द गिर्द कहानी घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन कातिल कौन है, कब पकड़े जाएंगे, ये सवाल मनीष के पिता बार बार पूछ रहे हैं, माता बार बार पूछ रही है, भाई बार बार पूछ रहे हैं और उनकी यही मांग है कि सागर के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फांसी की सजा दी जाए ताकि सागर की आत्मा को शांति मिल सके और परिवार को न्याय मिल सके। और भी पॉजिटिव आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन से, जिला पुलिस प्रशासन से यही मांग करता है कि सागर के कातिलों को जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल बी पॉजिटिव में इतना ही, बने रही अगली खबरों के लिए बी पॉजिटिव के साथ। गोल्डी चुक शाबर मारकंडा।